तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज का वीडियो जो होने वाला है ना अलग ही टॉपिक का होने वाला है, क्योंकि आज अपन खेलने वाले हैं रैंक मैच। और काफ़ी समय से मैंने रैंक खेला नहीं है, तो बट आज रैंक खेलूंगा। तो इसको भेजा मोहित को, मोहित ने नहीं लिया। अब इसको भेजते हैं, कहाँ गए, श्री राम को भेजते हैं। अब इसके साथ रैंक खेलेंगे, क्या क्या सोच रहा था, काफ़ी अच्छा मतलब प्लेयर है, तो इसके साथ रैंक खेलेंगे। तो लेता है कि नहीं लेता है। हेलो हेलो श्री राम, हेलो ब्रो, क्या कर रहे हो। अरे भाई गाली क्यों देते हैं, चलो रैंक मैच खेलते हैं, चलो हम दोनों आज ना रैंक खेलेंगे। अबे नुब्रे, लेवल देख के क्या माइनस कर देगा तू। अरे कितना लेवल है दिखा तेरा, कितना लेवल है देखता हूँ। तो गाइस इसका लेवल 70 लेवल है, 16,000 लाइक है। अरे तो क्या हुआ, लेवल से कुछ नहीं होता, चलो खेलते हैं रैंक, सुन रहे हो। तो गाइस इसका लेवल मतलब 70 लेवल है, तुम लोग खुद देख सकते हो। तो ये मतलब बंदा जो है बहुत घमंड मारा है। चलो रैंक खेलते हैं यार, क्या यार तुम भी, चलो रैंक खेलते हैं आज ना बहुत दिन के बाद। हेलो हाँ भाई बोलो ना, क्या हुआ। चलो रैंक मैच खेलते हैं आज बहुत दिन बाद, मुझे आज ना रैंक का वीडियो बनाना है, मतलब तुम्हारे साथ वीडियो बनाऊंगा ऐसा सोच रहा था। अबे नुबड़े माइनस कर देगा। अरे क्या हुआ भाई, कुछ नहीं होगा यार, चलो खेलते हैं, माइनस होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्या चलो नुबड़े खेलते हैं, चलो गलत ठीक नहीं है। कर। अरे भाई यू आर रिमोट, अरे साले किक क्यों कर दिया, नहीं खेलना है तो बोल दे कि नहीं खेलना है भाई, तू जा यार मुझे नहीं खेलना है, किक क्यों मारा। बुलाते हैं गाइस इसको ग्रुप में, जाते हैं बोलते हैं कि किक क्यों मारा। हेलो अबे नुबड़े, नहीं औकात नहीं है ना तो आजा कस्टम में 1v1, आजा आजा, किक क्यों मारता है बे नुबड़े के ही के, मतलब बहुत हो गया। चल चल बना, चल चल मैं बना तो आजा आजा, चल देखेंगे चल। हाँ ठीक है बना बना, आज तो ना तेरे औकात तुमको दिखाता हूँ, बहुत हो गया है। तो गाइस इसका औकात इसको आज दिखा कर ही रहेंगे, तो बना तुम कस्टम बना, ठीक है मैं सोलो हो रहा हूँ। हाँ रुक रुक रुक, बना रहा दीजिए, देखता हूँ, रुक जा रुक। तुम 70 लेवल के भी देखे हो तेरी जिंदगी में, रुक 1 मिनट। अरे सुन सुन सुन, तेरे जैसे ना 70 क्या 75 लेवल के ग्रैंड मास्टर के बंदे के साथ खेलने के लिए ना मुझे रिक्वेस्ट भेजते, तुमको दिखा दूंगा इतना। चल 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 नुबड़े, रुक रुक रुक। अरे तेरे से ज़्यादा लेवल ना 71 लेवल वाले को बंदों को हरा हरा के बैठा हूँ, समझ गए, ग्रैंड मास्टर वालों को एक बार मेरा यूट्यूब चैनल चेक करके देखना, समझ गए। नुबड़े कहीं के इतना किक मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू बना कस्टम। हाँ ठीक है बना बना ना तू कस्टम, देखता हूँ तुमको, मतलब सोलो हो। हाँ ठीक है मैं सोलो हूँ, चलो। तो गाइस से बंदा जो है ना अब कस्टम बनाने वाला है, अब इसके साथ देखो कस्टम इनवाइट कर दिया फाइनली मुझको, तो 1v1 70 लेवल के बंदे के साथ देखते हैं आज क्या होता है। मैं जरूर हार जाऊँगा, मुझे पता नहीं कि जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, तुम लोग कमेंट करके बताना जरूर। लेकिन भाई इस तरह किक मारने की कोई बेइज्जती नहीं है, मतलब कोई सीमा नहीं है यार, क्या बताऊँ तुम लोगों को। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ये तो मुझे और किसी दूसरे बंदा को भी मारता है ना बहुत, इसको मतलब 70 लेवल के ऊपर घमंड हो गया गाइस। अभी मेरा कस्टम खेलने का जरा भी मूड नहीं था यार, क्या बताऊँ, मैं तो आज रैंक का वीडियो बनाऊंगा क्योंकि सोच रहा था। तो गाइस इधर की साइड ग्लू बॉल लगा लगा कर मतलब वीडियो थोड़ा कट के बना दिया हूँ। वो भाई थोड़ा HP बचा है, वो क्या है, स्काइलर है कि आलोक है, कोरोना है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्या करेक्टर है। तो गाइस जल्दी जल्दी ग्लू बॉल लगा लगा कर अच्छे से, मतलब मैं भी यार मेरा कस्टम खेलने का मन नहीं था यार, लेकिन ये बंदा मुझे किक मारा ना गाइस, तो मुझे बहुत ही मतलब हेल्पफुल की साइड गुस्सा आ गया इसके ऊपर। और देखो गाइस ये क्या कर रहा है मेरे साथ, देखो राज गद्दी वाला इमोट दिखा रहा है यार, क्या बताऊँ तुम लोगों। इधर की साइड देख रहा हूँ, 1 टैप भी मुझे मारना नहीं आता, और मेरा कस्टम खेलने का भी मन नहीं था, इसलिए ग्लू बॉल भी नहीं लग रहा था। अगर मेरा मन मतलब कस्टम खेलने का रहता तो थोड़ा मोमेंट की साइड खेलता यार, देखो कैसे कैसे एकदम यार भाई क्या बताऊँ तुम लोग। तो फर्स्ट राउंड गाइस इस बंदे जीत चुके हैं, अब लगता नहीं कि हम लोग इससे जीतेंगे, लेकिन आज मैंने कस्टम चैलेंज कर लिया है 1v1, तो फर्स्ट राउंड इस बंदे ने जीत लिया है। तो फिर से सेकेंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं गाइस, और सेकेंड राउंड फिर से मैं ग्लोबल लगा लगा कर इधर की साइड बंदा मतलब आगे की साइड बंदा है, तो इधर तो गाइस मैंने ग्लोबल लगा लगा कर आगे की साइड बढ़ चुका हूँ, और बंदा इधर की साइड आ चुका है, और इधर की साइड बंदा आ चुका है, तो मैंने भी ग्लोबल लगा लिया। और हेड OP हेडशॉट, ओ भाई ओ भाई M10 से जहर हेड मार दिया भाई, इसका भी थोड़ा बचा था यार, क्या बताऊँ। तो यार इसका 2 राउंड हो चुका है, और मेरा 1 राउंड मतलब भाई मैंने भी मारा था, मुझे नहीं पता मेरा मतलब इस राउंड मैंने ग्लूबल लेना भूल गया, तो इससे ग्लूबल मांगता हूँ साले नोबड़े, पता है इसको, जानता है कि नहीं जानता, तो ग्लूबल तो दे दिया गया इसने फाइनली। तो इसका 2 राउंड हो चुका है, मेरा 1 राउंड ही हुआ है यार, पता नहीं मेरा कस्टम खेलने का उतना मन नहीं था, तो यार तो भी मैं कस्टम खेल रहा हूँ, क्या बताऊँ तुम लोगों को। तो मैंने MP40 गन लिया हूँ, अब देखता हूँ गाइस इसको मार पाते हैं कि नहीं मार पाते, OP
मैं भी मतलब थोड़ा अच्छा सा ग्लूबल लगा कर खेलूंगा ऐसा सोच रहा था यार, ग्लूबल ही नहीं लग रहा था क्योंकि यार मैं रैंक का वीडियो बनाना चाहता था यार, मुझे नहीं पता कि कस्टम हो जाएगा, लेकिन मैंने गुस्से में ना कस्टम का ही वीडियो बना लिया कि तुम लोगों को दिखाऊँ कि मतलब ज़्यादा लेवल के कोई भी बंदा हो जाता है तो मतलब अपने आप पर मतलब थोड़ा घमंड टाइप करने लगता है यार, क्या बताऊँ। तो इसको हेडशॉट लगाए हैं तो कोई बात नहीं, हेडशॉट मैं तो यार ग्लूबल कम लगा रहा था क्योंकि अभी मेरा मन ही नहीं था कस्टम खेलने का, तो भी खेल रहा था यार। ओ भाई तीसरा बार भी हेडशॉट यार, भाई इसका फिर से थोड़ा बचा था, तीसरा बार भी गाइस इसने मुझे हेडशॉट मार दिया यार, क्या बताऊँ। तो इस बार तो मैंने शॉटगन ले लिया है गाइस, अब इस बार देखते हैं कि इससे जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे यार, तुम लोग कमेंट करके बताना कहीं 7-0 से ना हार जाऊँ यार, फिर ना फिर बोलने का मतलब कोई महत्व नहीं रह जाएगा, मेरे जैसा हर बंदे के साथ ही करेगा यार, क्या बताऊँ। तो गाइस तुम्हारा भाई के इस बार थोड़ा ग्लूबल अच्छा लगने लगा, इस बार मैं भी एक एक गोली मारने की ट्राई कर रहा था। ओ भाई ओ ओ ओ ग्लूबल नहीं लग रहा है गाइस, इस बार जल्दी से पैक कर लेता हूँ, क्रोनो भी लगा लेता हूँ क्योंकि बंदा आकर सीधा ना मार दे, इसलिए एक हील कर लेता हूँ जल्दी से। इस राउंड तो मुझे कैसे भी जीतना है यार, सीधा 4 नहीं करना है, 3 राउंड तो जीत चुका है बंदा, इस बार मुझे कैसे भी करके जीतना है। तो गाइस एक एक राउंड मतलब एक एक गोली मैं भी मार रहा था, जो भी होगा होगा देखा जाएगा, मैं भी मतलब मुझे वन टैप मतलब उतना मारना नहीं आता। मैंने सोचा था आज मस्त रैंक का वीडियो बनाऊंगा, तो यार यहाँ तो सीन कुछ अलग हो गया यार, सीधा कस्टम की हो गया गाइस। अगर तुम लोगों के मतलब मेरे साथ यार कस्टम खेलना है तो ऐसे मस्ती वाला मतलब फनी टाइप थोड़ा ऐसे कस्टम खेल सकते हो, एकदम सीरियसली नहीं यार, क्योंकि सीरियसली मैं कस्टम नहीं खेलता इनके जैसे। देखो ये सीधा ना गाइस औकात की बात कर दिया मेरे साथ, ओपी हेडशॉट गाइस, हेडशॉट लगा लेकिन बंदा मतलब ख़त्म नहीं हुआ गाइस, इसको फिर से इतना मतलब काफ़ी सही डैमेज दिया, ग्लूबल भी अच्छे से नहीं लग रहा था यार आज पता नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना कस्टम खेलता हूँ तो तुम लोग जानते हो मेरे साथ ग्लूबल थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन आज तो लग ही नहीं रहता। एक एक गोली मैं भी मारने की ट्राई कर रहा था और ग्लूबल लगाने का, लेकिन आज मैं रैंक के मूड में था और गाइस सब कहाँ मुझको कस्टम खेलने के लिए बोल दिया यार, ओपी गाइस। फिर इस बार तो पहला राउंड हम लोग जीत चुके हैं, अब फर्स्ट 1v3 सिग्नेचर पर हो चुका है, फर्स्ट लाइक भी मिल चुका है तुम लोगों को, मतलब मुझको लाइक मिल चुका है यार। तो मेरे पास MP40 और शॉटगन मैंने ले लिया है, अब सेकंड राउंड जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे पता नहीं। तो गाइस फिर से मैंने ग्लूबल लगा कर इसके साइड, बंदा इधर की साइड आ चुका है, तो ये भी वन टिप मारने की ट्राई कर रहा है, मैं भी वन टिप मारने की ट्राई कर रहा हूँ, अब मतलब किसका वन टिप लगता है तुम लोग खुद देख सकते हो। तो इसको एक एक गोली मार रहा था गाइस मैं भी एक एक गोली यार, ग्लूबल आज लग ही नहीं रहा यार, कैसा मोमेंट कुछ नहीं बन रहा यार, बुरा मत मानना गाइस तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि मेरे साथ ग्लूबल आज लग नहीं रहा था क्योंकि मैं कस्टम खेलने के मूड में नहीं था यार, क्या बताऊँ तुम। तो हेड मारा गाइस इसको, 60 का हेड लगाया शायद, तो अच्छा से मतलब उतना अच्छा से नहीं खेल रहा था, बट थोड़ा सिंपल खेल रहा था, अगर मैं मेरा अगर कस्टम खेलने का मन होता और खेलता ना गाइस क्या बताऊँ, इस बंदे को ना अच्छा तरीके से मारता यार। तो ओपी हेड गाइस, वन टिप लगा दिया इस बंदे को मैंने। तो गाइस वन टिप के लिए बस एक लाइक कर देना, और शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करके यार सब्सक्राइब करा देना यार। और वो बोल रहा हूँ मैं 10 सब्सक्राइबर 80 रुपये का रिडीम कर देता हूँ, लेकिन अभी नहीं दे रहा हूँ ब्रो, क्योंकि मैं अभी बता दे रहा हूँ सबको, अभी लगभग 12 से 13 तारीख को कन्फर्म मिल सकता है, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सीधा से बता देता हूँ 12 या 13 तारीख के जिसको भी नहीं मिला है। 9 बंदे को मैंने रिडीम कोड दिया था गाइस, 9 बंदे को, बंदे ने मुझे काफ़ी सारी डैमेज दे दिया। देखो मैं इस गेम के मतलब खेलने के बाद तुमको बता रहा हूँ, सबके बारे में बता रहा हूँ तुमको। तो मैं एक हील कर लेता हूँ, 2 हील कर लिया मैंने, बंदा किधर की साइड है, आगे की साइड है, तो मैंने भी ग्लूबल तोड़ कर मतलब आगे की साइड, वो भी बंदा है ओपी, इसको फिर से हेड लगा है, तो इधर निकल ओपी गाइस। इस बार ना 3-3 राउंड हो चुका है, मतलब 3-3 राउंड हो चुका है। तो गाइस मैं जो मतलब मैं भी एक एक गोली, इस बार तो बंदा थोड़ा अच्छा से मर रहा है क्योंकि मैं काफ़ी से पहले से ही हेड मार के डैमेज दे देता हूँ ना, इसलिए। तो गाइस मैच जो हो चुका है, 3-3 राउंड हो चुके हैं मैच। तो गाइस इस मैच में कौन जीतने वाला है तुम लोग कमेंट करके बताना। और वो बोल रहा था मैंने 9 बंदे को कल ही रिडीम कोड दिया है, तुम लोगों को अपने गेमिंग ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी भेजा है, तुम लोग देख लेना। ओ भाई साहब फिर से हेड मार दिया भाई, क्या बताऊँ यार, मतलब ये प्लेयर जो है मतलब जैसा भी हो, मतलब जितना भी एटीट्यूड हो, लेकिन ना प्लेयर जो है हेडशॉट से बहुत अच्छा से खेल रहा है, मतलब हेडशॉट बहुत अच्छा से खेलना आता है इसको। तो गाइस ये बंदा जो है मुझको ना सीधा हेडशॉट ही मारने की ट्राई कर रहा था, और मैं तो जैसे भी हूँ मैच जीतने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि यार मेरा कस्टम खेलने का उल्टा मन नहीं रहा था, और यार ग्लूबल भी अच्छे से नहीं लग रहा था, कस्टम से हर जगह ऐसे लग रहा था, लेकिन क्या बताऊँ वीडियो बना रहा हूँ तो चलो बना लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। ओ भाई 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 क्रोनो के अंदर मतलब आ चुका था बंदा यार, इसलिए अब मैं तुमको बता रहा हूँ इस बारे में। तो गाइस बंदा इधर के साइड में भी घूमकर वन टैप मारने की ट्राई कर रहा था, तुमको रिडीम कोड के बारे में 2 मिनट रुको मैं बता रहा हूँ। तो गाइस इसको भी हेडशॉट मारने की ट्राई कर रहा था, लेकिन हेडशॉट लग नहीं रहा था, निकल ओपी गाइस। तो गाइस 4-4 राउंड हो चुके हैं फाइनली हमारा,
तो गाइस इस बार मतलब मैच थोड़ा टक्कर का हो चुका है क्योंकि चार चार राउंड हो चुका है, तो फिर से पांचवे राउंड के लिए बढ़ते हैं। और मैं बता रहा था नाइन बंदे को अपने गेमिंग ग्रुप में रिडीम कोड दिया था और सब ने मुझे थैंक यू ब्रो फुल सपोर्ट लिखा है। तो गाइस अब मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 250-300 था और 80-30 ऐसे का दे दिया था, अब मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं तुमको 13 तारीख को जितने बंदे को रिडीम कोड नहीं मिला सीधा 13 तारीख या 14 तारीख को तुमको कन्फर्म दूंगा ऐसा बोला हूँ, तो तुम लोग मुझे व्हाट्सअप में बता देना कि मुझे भी देना है। और जिसका गाइस मैं बता रहा हूँ नाम लिखा रहता हूँ उसको रिडीम कोड देता हूँ यार, क्योंकि नाम नहीं लिखा रहता तो उसको पता नहीं चलता है ना। सब लोग अपना नाम लिखवा लेना और मुझे गेमिंग ग्रुप में अपना नाम भेज देना, क्योंकि अपना मैं 13 तारीख को 40 या 50 बंदे को रिडीम कोड दूंगा सीधा, 40 या 50 बंदे को मतलब सीधा 1000 रुपये का दूंगा, 1000 या 1200 रुपये तक, या 30-30 या 80 वाला मतलब 4-5 जितने 10-12 कराए उसको 80 वाला, और ऐसे 6-7 ऐसे कराए उसको 30 वाला ऐसे दूंगा ऐसा मतलब सोचा हूँ। तो एक ही गोली मैं भी मारा था तो बंदा ख़त्म हो चुका है कैसे भी करके, तो 5 vs 4 हो चुका है गाइस और हम लोग जीत चुके हैं 5 राउंड और उधर की बंदा जीत चुका है 4 राउंड। तो उसका नाम है MH3 नाम और मेरा नाम तो तुम लोगों को पता ही है। तो गाइस ज़्यादा मतलब उतना बताने की ज़रूरत नहीं है, तो बंदा आगे की साइड है तो मैं यही बस कहना चाहता था कि, और मैं सोच रहा हूँ गाइस लगभग 6 के मेरा सब्सक्राइबर मतलब अभी 4 के सब्सक्राइबर तुम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, थैंक यू फॉर मतलब 4 के सब्सक्राइबर, तो 6 के अगर मेरा सब्सक्राइबर हो जाता है तो मैं उस महीने मतलब टूर्नामेंट खिलाऊंगा एक सोच रहा था। और तुम लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टूर्नामेंट सीधा 3000 रुपये से मतलब शुरू होने वाला है, 3000 रुपये से टूर्नामेंट शुरू होगा, तो उसमें फर्स्ट मतलब प्राइस 3000 रुपये रहेगा और सेकंड प्राइस 2000 और थर्ड प्राइस 1000 रुपये होगा। उसमें मतलब 50 बंदे का अपना अपना सब स्क्वाड बुलाकर मतलब कस्टम खेलना है, तो मैं कस्टम तो मैं बनाता हूँ मतलब टूर्नामेंट के लिए मैं कस्टम बनाऊंगा। तो मेरा 6 राउंड हो चुका है और 4 राउंड उस बंदे का हो चुका है, तो मैंने तुमको बता दिया कि मैं अब टूर्नामेंट मतलब उतना मतलब कस्टम खेलने का इरादा नहीं था, बस तुमको टूर्नामेंट के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं रैंक खेलना चाहता था तो कस्टम मतलब ऐसे ही बना दिया है। तो टूर्नामेंट के बारे में तुमको बता रहा हूँ कि टूर्नामेंट लगभग 6K सब्सक्राइबर होगा, उसके बाद मैं टूर्नामेंट स्टार्ट करूँगा, 3K फर्स्ट इनाम रहेगा। तो तुम लोग टूर्नामेंट जितने बंदे खेलना चाहते हो सब लोग अपना नाम लिखवा लेना, क्योंकि देखो प्राइस के ऊपर है मतलब 3K मतलब फर्स्ट प्राइस रहेगा इसलिए बताया हूँ। और 6K जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा मैंने टूर्नामेंट मतलब लॉन्च कर दूंगा ऐसे मतलब बोला हूँ तुम लोगों को गाइस। तो इस बंदा ना इधर की साइड है और मैं भी हील कर लेता हूँ क्योंकि अब टूर्नामेंट के बारे में उनको काफ़ी सही मतलब बता दिया है मैंने सब के बारे में, तो 1 टैप मारने की ट्राई कर रहा है, तो मैं भी 1 टैप मारने की ट्राई कर रहा था, तो 1 टैप OP गाइस। तो फाइनली हम लोग मैच जीत चुके हैं और उसको बंदे को लॉबी में बुलाते हैं और पूछते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने रैंक लगा लिया और उसको दुआ बुलाते हैं और क्या होता है अब क्या बोलते हैं और उसको बुलाते हैं गाइस, ठीक है। तो बंदा किधर के साइड है उसको बुला रहे हैं, रुक जा उसके ग्रुप में जाते हैं तो बोलते हैं हेलो ब्रो क्या हुआ ब्रो, हेलो चलो खेलते हैं। अरे भाई रैंक खेलेंगे, चलो अब सुन अब रैंक खेलेगा, पहले तो रैंक नहीं खेल रहा था, अब मैं भी नहीं खेलूंगा। अरे नहीं खेलना भाई, मुझे तेरे साथ नहीं खेलना, नुबड़ा कहीं के बहुत नुबड़ा बोलता है ना। तो गाइस चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नूब कहीं के।